आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स, रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कंप्लीट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो में मैंने सेलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं कि रामसर साइट्स क्या होते हैं। वेटलैंड इज़ अ टेरन वेयर अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज परमानेंटली और एवरी ईयर इन अ सीजन और इन सच एरियाज वेयर एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड एंड दिस डिफाइंस वेटलैंड्स। तो फ्रेंड्स, वेटलैंड्स कुछ नहीं है, एक तरह का लैंड पार्ट होता है इकोसिस्टम का, जहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो होते हैं और वो सबमर्ज्ड रहते हैं, यानी कि वहाँ पर लैंड भी होगा एज वेल एज वाटर भी होगा, तो उसमें वो सबमर्ज रहते हैं या परमानेंटली रहेंगे या फिर किसी पर्टिकुलर सीजन में, तो इसे हम वेटलैंड्स कहते हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, वेटलैंड्स आर वेरी सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती है जैव विविधता फ्रेंड्स। वेटलैंड्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ओनली स्पेशल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू ग्रो एंड फ्लरिश ऑन वेटलैंड्स। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि वेटलैंड्स एक तरह का वाटर एज वेल एज लैंड्स का मिक्सचर होता है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक तरह की ही वेजिटेशन या फिर ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट होंगे ग्रो होने के लिए या फिर फ्लरिश होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ए ट्रांजिशन बिटवीन वाटर एंड लैंड। तो वही बात आ गई, ये एक तरह का इन बिटवीन रहता है पानी और भूमि के बीच में, और वेटलैंड्स या फिर रामसर साइट्स या फिर वेटलैंड्स के अंदर स्वैम्स आ जाएंगे, जिन्हें हम दलदल कहते हैं, रिवर्स, लेक्स, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, राइस फील्ड्स, मैरीन एरियाज, पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स, तो ये सभी रामसर साइट्स में या फिर वेटलैंड्स में आएंगे। तो अब हम फ्रेंड्स रामसर एग्रीमेंट के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ रामसर एग्रीमेंट? रामसर अ सिटी इन ईरान। तो रामसर फ्रेंड्स एक ईरान का शहर है। वेयर एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। तो यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी कि हमें जितने भी वेटलैंड्स हैं विश्व भर में उनको सुरक्षित रखना है और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। तो यहाँ पर ये संधि साइन हुई थी फ्रेंड्स रामसर में, और ये डेट आपको याद रखनी है, और ये साइन हुई थी फ्रेंड्स 2 फरवरी 1971 में। ये डेट काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इसीलिए हम इस एग्रीमेंट को रामसर एग्रीमेंट कहते हैं। अब हम रामसर कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। रामसर साइट्स आर वेटलैंड्स। तो रामसर साइट्स कुछ नहीं है, वो एक तरह के वेटलैंड्स ही हैं विच हैव इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। तो जब भी कोई साइट रामसर साइट में आ जाती है, तो फ्रेंड्स हम उसे एक इंटरनेशनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स इज कॉल्ड द रामसर कन्वेंशन। तो इसे ही हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। अब इसका पर्पज़ क्या है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोटेक्ट इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेगा इंटरनेशनली लेवल पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। एंड दिस कॉन्फ्रेंस केम इनटू एक्शन ऑन, और ये भी डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था, तो ये डेट आपको याद रखनी है 2 फरवरी 1975। तो ये आपको याद रखनी है डेट फ्रेंड्स। अब मैं आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ रामसर साइट्स के बारे में, जो आपको आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो एज ऑफ अगस्त 2022 देर आर टोटल 75 रामसर साइट्स इन इंडिया। तो अगस्त 2022 तक फ्रेंड्स अब तक इंडिया में कुल 75 रामसर साइट हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हम इनके एरिया को देखें तो ये कुल एरिया बनाते हैं 13,26,677 हेक्टेयर, 13,26,677 हेक्टेयर्स। सेकेंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, द हाइएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इज इन द UK, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स 175। इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। तो ये इंडिया पार्ट बना था रामसर कन्वेंशन का 1 फरवरी 1982 को। लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, तो ये सुंदरवंस हैं, जो सुंदरवंस वेटलैंड जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये आपको याद रखना है। हाइएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया आर करंटली, अभी तक अभी के टाइम में फ्रेंड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। और कितने नंबर हैं? 14 नंबर हैं। सेकेंड प्लेस पे उत्तर प्रदेश है। द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया इज़ रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट वॉज डिक्लेयर्ड द कोबोर्ग पेनिनसुला। तो जो विश्व की पहली रामसर साइट बनी थी वो थी कोबोर्ग पेनिनसुला, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, और इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया था 1974 में। नेक्स्ट पॉइंट, द लार्जेस्ट साइट ऑन द रामसर लिस्ट इज़ ब्राज़ील्स रियो नीग्रो। तो
तो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी साइट है रामसर लिस्ट में वो है ब्राज़ील की रियो निग्रो, जिसका एरिया फ्रेंड्स 12 मिलियन हेक्टेयर है, ये आपको याद रखना है। बोलीविया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वेंशन प्रोटेक्शन। तो कन्वेंशन प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो बोलीविया का सबसे ज़्यादा एरिया है 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मार्क द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर ऑन February 2, 1971। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड वेटलैंड डे हम इसीलिए मनाते हैं कि इस दिन हमने 1971 में कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को साइन किया था, तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट, कि अगस्त 2022 तक इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 75, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कुबोर्ग पेनिनसुला, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है और इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया था 1974 में, तो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पर टोटल नंबर है 175 रामसर साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2nd of February। तो एवरी ईयर फ्रेंड्स 2nd of February वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। द डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पहली बार फ्रेंड्स ईयर 1997 में मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2022 इज वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये आपको याद रखना है। व्हेन वॉज द 50th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड, तो 50th एनिवर्सरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की कब मनाई गई थी, 2021 में, और 2022 में 51वीं मनाई गई है, ये आपको याद रखना है, 51st है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1st February 1982, ये आपको याद रखना है कि इंडिया पार्ट बनी थी रामसर कन्वेंशन का 1st February 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन हेल्थ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर इन 1971, तो ये फ्रेंड्स रामसर सिटी है ईरान की और यहीं पर ही फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी जो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए वो हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द रामसर कन्वेंशन स्टार्ट फंक्शनिंग, मतलब रामसर कन्वेंशन ने कब काम करना शुरू किया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 21st of December 1975, तो ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा की है, और क्यूलाडियो नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है, तो इन दोनों को फ्रेंड्स रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 1981 में, ये आपको याद रखना है, और ये पिक्चर फ्रेंड्स क्यूलाडियो नेशनल पार्क की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सुंदरवंस वेटलैंड, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये आपको याद रखना है, ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, यानी कि लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया है, ये इसका पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये सबसे छोटा रामसर स्थल है भारत का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट करंटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ 14 रामसर साइट्स इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी तमिलनाडु स्टेट, तो तमिलनाडु स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं और नंबर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज वेटलैंड ऑल्सो नोन एज भोजताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश स्टेट में है फ्रेंड्स ये भोज वेटलैंड, और मध्य प्रदेश के भी ये फ्रेंड्स भोपाल सिटी में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर साइट चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओडिशा, तो फ्रेंड्स ओडिशा स्टेट में है चिल्का लेक, ये आपको याद रखना है, कुछ ऐसा नज़ारा वहाँ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग डैम लेक इज अ रामसर साइट इन इंडिया, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, तो फ्रेंड्स
पोंग डैम जो कि एक रामसर साइट है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। इसका व्यू कुछ इस तरह का है। तो ये थे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपको जो भारत में 75 रामसर साइट्स हैं उनकी लिस्ट पूरी करवाने वाला हूँ, तो ये आपको याद रखना है। तो पहली है फ्रेंड्स चिल्का लेक, इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 1981 में और ये उड़ीसा में है। सेकेंड है भीतरकनिका मैनग्रोव, उड़ीसा में है ये भी। सतकोसिया गोच, ये भी उड़ीसा में है। टेम्पारा लेक, ये भी उड़ीसा में है। हीराकुंड रिजर्व, ये भी उड़ीसा में है। अनासुप्पा लेक, ये उड़ीसा में है। तो इससे फ्रेंड्स रामसर साइट डिक्लेयर किया है 2022 में, तो जो भी 2022 में हुई हैं मैं उनके सामने स्टार मार्क कर दूंगा। और आप ये लिस्ट की फ्रेंड्स वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पॉइंट कैलीमेरे वाइल्ड लाइफ एंड वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। करिकिली वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, इसे भी रामसर साइट डिक्लेयर किया है फ्रेंड्स 2022 में। पलिकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है। पिचवरम मैनग्रोव्स तमिलनाडु में है। कुंथनकुलम वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। उदयमार्थदपुरम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। वेदांथंगल वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है और इसे भी रामसर साइट डिक्लेयर किया है 2022 में। विलोर वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। वेम्बनोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। चित्रनगुड़ी वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। वडिवूर वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। क्यूलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में है। सांबर लेक राजस्थान में है। हरिके लेक पंजाब में है। कांजली लेक पंजाब में है। रोपर वेटलैंड्स पंजाब की है। किशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में है। व्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में है। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। होकेरा वेटलैंड्स जम्मू एंड कश्मीर में है। सुरिंसर एंड मानसर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर में है। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर में है। पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश में है। चांदेटल वेटलैंड्स हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका वेटलैंड्स हिमाचल प्रदेश में है। लोकटक लेक मणिपुर में है। अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। सांडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। सारासई नवर लेक ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये सभी फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में है और ये 2019 में रामसर लिस्ट में इंक्लूड हुए थे। सुर सरोवर लेक 2020 में इंक्लूड हुई थी, ये भी उत्तर प्रदेश से है। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश की है। बकीरा वेटलैंड सेंचुरी उत्तर प्रदेश की है और ये 2022 में वेटलैंड में रामसर लिस्ट में इंक्लूड हुई है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स वेस्ट बंगाल में है। सुंदरवंस डेल्टा रीजन वेस्ट बंगाल में है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। अष्टमुड़ी लेक केरला में है। सास्थम कोटा लेक केरला में है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड एरिया केरला में है। नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी गुजरात में है। वाधवाना वेटलैंड एरिया गुजरात में है। थोल लेक वेटलैंड सेंचुरी गुजरात में है। खिजड़िया वेटलैंड सेंचुरी ये भी गुजरात में है और ये 2022 में वेटलैंड्स में इंक्लूड हुई है रामसर लिस्ट में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी हरियाणा में है। दिपोर व्हील असम में है। तसो मुरीरी लेक लद्दाख में है। तसोकर वेटलैंड एरिया ये भी लद्दाख में है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। साख्या सागर मध्य प्रदेश में है। शेरपुर वेटलैंड्स मध्य प्रदेश में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, ये भी 2022 में वेटलैंड में इंक्लूड हुई है। और जो ऊपर करवाई हैं दो, ये भी फ्रेंड्स 2022 में वेटलैंड्स में यानी कि रामसर लिस्ट में इंक्लूड हुई हैं। नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में है। लोनर लेक महाराष्ट्र में है। थाने क्रिक
महाराष्ट्र में है, नंदा लेक गोवा में है, तो ये दोनों भी फ्रेंड्स 2022 में इंक्लूड हुई हैं रामसर लिस्ट में। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है, कबरतल लेक बिहार में है, पाला सैमी लैंड ये मिजोरम में है, ये इस वर्ष वेटलैंड यानी कि रामसर लिस्ट में इंक्लूड हुई है। रंगनाथिट्टू VS ये कर्नाटक में है, तो ये भी इस वर्ष रामसर लिस्ट में इंक्लूड हुई है। तो ये थी फ्रेंड्स लिस्ट जिसमें मैंने आपको टोटल 75 रामसर साइट्स जो कि इंडिया में हैं उनके बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दी। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब इस वीडियो का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 3 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूँ और आपको टेस्ट का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन। योर ऑप्शंस, सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट। योर ऑप्शंस आर, लास्ट क्वेश्चन टेस्ट का, व्हिच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया। योर ऑप्शंस आर। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको रामसर साइट्स के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।